नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा। और चिकन कोरमा बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। काली मिर्च, मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, जावित्री, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर और धनिया पाउडर और नमक, और साथ ही इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट और दही और केवड़ा पाउडर हमें चाहिए। हमने सबसे पहले पैन में घी गरम कर लिया है। अब इस पैन में जो हमने प्याज जो काटे हुए थे वो डाल देते हैं। बीच बीच में प्याज को हिलाते रहना है और इसे गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे हम अलग से निकाल लेते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। फ्राई हुए प्याज को अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। हमारा मसाला जो है वो ग्राइंड हो चुका है। कोरमे का जो मजा है वो देसी घी में बनने में ही आता है। अगर आप रिफाइंड में बनाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा जो देसी घी में आता है। देसी घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं। साथ ही इसमें हम अपने चिकन के पीसेस ऐड कर देते हैं। फ्लेम को तेज रखिएगा ताकि चिकन और इसमें डाला हुआ जो मसाला है वो साथ में अच्छे से पक जाए। जितने भी हमारे सूखे मसाले थे ये हम इसमें डाल देते हैं। 5 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। चिकन को हिला के देख लेते हैं। अब इसके बाद चिकन में हम दही ऐड कर देते हैं। दही ऐड करने के बाद इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हल्दी डाल लेते हैं, उसके बाद लाल मिर्च, पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला। कोरमे का जो स्वाद है वो देसी घी में ही आता है। और मेन जो इसमें प्याज हम फ्राई करके बाद में इसको जो ग्राइंड करते हैं वो दानेदार जो स्वाद होता है कोरमे का वो उसी से आता है, प्याज से ही आता है। इसमें जो खड़े मसाले हमने डाले हैं उनका स्वाद जो है वो चिकन में लग जाए, उसके लिए मसालों को थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहिए। दही जो है मसालों के साथ अच्छे से मिल जाए इसके लिए हम फ्लेम को थोड़ा सा लो करके इसको थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। ढक्कन उठा के देख लेते हैं चिकन को। अब इसमें हम प्याज जो ग्राइंड किया हुआ था वो ऐड कर लेते हैं। दानेदार जो बनता है कोरमा वो ये प्याज जो हमने ग्राइंड किया हुआ है इसी से बनता है। कोरमा अपने कलर में आ रहा है, देखिए ग्रेवी का भी कितना अच्छा कलर है वो आ गया। और ये दानेदार जो है इसे पता लग रहा है हमारी ग्रेवी कितने दानेदार बन रही है। थोड़ी देर के लिए इसे दोबारा हम ढक लेते हैं ताकि हमारा जो प्याज था, हमारे मसाले और हमारा जो चिकन है आपस में मिल जाए। ढक्कन उठा के देख लेते हैं। हमारा कोरमा लगभग तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा ग्रेवी बनाने के लिए हम पानी ऐड कर लेते हैं।
पानी हमारे मसालों के साथ अच्छे से मिल जाए इसके लिए हम 10 मिनट के लिए चिकन को ढक के रख लेते हैं। देखते हैं चिकन को, ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से पक गया है और हमारी जो इसकी ग्रेवी थी वो भी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम केवड़ा वाटर ऐड कर लेते हैं, केवड़ा वाटर ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ढक्कन जो है वो डाल लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। चिकन कोरमा तैयार है, आइए इसे सर्व कर लेते हैं। ये अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।